हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइबरटिक। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को गुड न्यूज़ देना चाहता हूं कि आज हमारे साइबरटिक्स यूट्यूब चैनल ने 1K सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए है। आई एम रियली थैंक्स फॉर योर सपोर्ट जो आपने हमें दिया। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, इट कीप्स मी मोटिवेटेड ताकि मैं और अच्छे वल्नरेबिलिटी टॉपिक्स लेकर आऊँ। एनीवे, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट SSTI वल्नरेबिलिटी। नाम सुन के घबराना मत, बिकॉज ये जितना थियोरेटिकल नॉलेज देता है उतना ही इजी एक्सप्लॉइटेबल होता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए हम जानते हैं SSTI वल्नरेबिलिटी के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन। अब ये जो वर्ड है टेम्पलेट, इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। सो व्हाट आर टेम्पलेट्स? जब भी वेब डेवलपर्स टेम्पलेट इंजन को यूज करता है, वो हमारे मॉडर्न वेबसाइट को एक एनहेंसमेंट देता है। इसका मतलब होता है कि जो भी हमारे डायनेमिक इनपुट्स है वो प्रोवाइड हो जाएंगे डायरेक्टली UI में। अब डेवलपर इसे क्यों यूज करता है? क्योंकि ये हमें डिफर कर देता है प्रेजेंटेशन लॉजिक अलग और बिजनेस लॉजिक अलग। इसका मतलब होता है कि जब भी हम नॉर्मल UI को चेंज करते हैं, कलर कोडिंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब चीज वेब टेम्पलेट से इजीली यूज कर सकते हैं। और बिजनेस लॉजिक में हमारा कोड रहेगा कि ये वेबसाइट कैसी किस तरह से फंक्शन होने वाली है। टेम्पलेट इंजन का नॉर्मली यूज होता है कि इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करो। अब ये जो इन्फॉर्मेशन होगी वो डायनेमिकली हो सकती है और स्टैटिकली भी हो सकती है। ओके, उसके बाद होता है हमारा डिस्प्ले गैलरी ऑफ फोटोज। नॉर्मली हम देखेंगे अबाउट वर्डप्रेस टेम्पलेट्स, इस तरह से ही टेम्पलेट इंजन भी यूज किए जाते हैं इन अ कोड। अब एक एग्जांपल की तरह मैं आपको बताता हूं कि अगर मैं एक वेबसाइट है उसमें मैं 2 अकाउंट क्रिएट कर देता हूं, एक मेरी तरफ से और एक साइबरटिक्स की तरफ से, राइट? और जब भी मैं फॉरवर्ड पासवर्ड असाइन करता हूं तो मुझे सेम ही कंटेंट आता है कि हेलो साइबरटिक्स, उसके बाद जो यर इज योर फॉरगेट पासवर्ड। अब ये जो डिस्प्ले है वो सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे डिफरेंस यही रहेगा कि मेरा यूजर नेम रहेगा और उसका यूजर नेम अलग रहेगा, राइट? तो यहाँ पे सिर्फ यूजर नेम चेंज हो रहा है, कंटेंट तो यही सेम है। तो यहाँ पे डेवलपर्स ने एक टेम्पलेट यूज किया गया है। अब टेम्पलेट किस तरह से होते हैं? टेम्पलेट्स के एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। प्री मार्कर जो हम जावा में यूज करते हैं, लिक्विड एक टेम्पलेट इंजन है, यहाँ पे हम रूबी में यूज करते हैं। तो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अलग अलग टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे कि जिंजा पाइथन में यूज किया जाता है, ट्विक जावा में भी यूज किया जाता है। ओके, अब टेम्पलेट इंजिन तो मैं आपको बता दिए कि ये फ्री मार्कर है, जिंजा है, ओके, बट इसका वर्किंग किस तरह से होगा तो आइए हम इसे देखते हैं। सो वर्किंग ऑफ टेम्पलेट इंजिन में सबसे पहले हम फर्स्ट इमेज को देखेंगे। अब डेटाबेस में हम पॉइंटर्स लगा के रखा हुआ है कि 1 का मतलब होता है वर्ल्ड, 2 का मतलब होता है अर्थ, 3 मून, ऐसे कर करके 98 अराइज। ओके, अब वेब टेम्पलेट्स यानी कि हमारा जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन लॉजिक पार्ट है, अब वहां पे मैंने बोल्ड टेक्स्ट में लिखा हुआ है हेलो, उसके बाद एक पॉइंटर लगाया। पॉइंटर को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? डॉलर देख के। अब डॉलर साइन में डॉलर एक्स और एक्सक्लेमेशन लिया हुआ है, राइट? तो जब भी मैं बोलता हूँ $1, तो $1 कौन सा है डेटाबेस में, वो चेक करेगा ओके वर्ल्ड है, तो उसे हम आउटपुट देंगे हेलो वर्ल्ड। ओके, अब मैं डॉक्यूमेंट 98 खोलता हूँ तो टेम्पलेट इंजन फिर से जाएगा, उसके बाद देखेगा कि हेलो 98 कौन सा है, तो 98 के पॉइंटर में अराइज करके वैल्यू स्टोर की गई है, तो हमें UI में दिखेगा हेलो अराइज। अब जैसे ही सेम जावा ऑब्जेक्ट में यूज किया जाता है, जावा ऑब्जेक्ट मतलब कि एक कोड में, कोड के अंदर ही हम इंजन को यूज करते हैं, जैसे कि टेम्पलेट फाइल है हमारी HTML, नॉर्मल कोडिंग जो रहती है UI साइड पे, HTML, हेलो डॉलर मतलब हमारा पॉइंटर हुआ, और नेम एक वेरिएबल है जहाँ पे हमने जावा ऑब्जेक्ट में यूज किया हुआ है डेटा डॉट नेम करके, और जो भी वैल्यू स्टोर होगी उसे हम स्टोर करेंगे जावा ऑब्जेक्ट में। तो जैसे कि मेरा नाम है चिराग, ओके, तो टेम्पलेट इंजिन उसे सर्च करेगा जावा ऑब्जेक्ट में, ओके नाम चिराग है, तो आउटपुट हमें देगा हेलो चिराग, क्योंकि टेम्पलेट फाइल में हमने पॉइंटर ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है, राइट? तो इसे आइए इसे हम अच्छे से जानते हैं कि ये वल्नरेबिलिटी कैसे अराइज होती है। सो व्हाट इज सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन? अब हमने इसकी टेम्पलेट के बारे में जाना, उसकी वर्किंग भी देखी,
राइट, तो सर्वर साइड क्यों बोलते हैं इसे, क्लाइंट साइड क्यों नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि ये जो भी हम कोड हम इनपुट कर रहे हैं वो सर्वर साइड पे रेंडर होके आता है। अब आप सोचो कि ये सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन क्या सर्वर SSRF की तरह है या फिर XSS की तरह है? नहीं, XSS और सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन सिमिलरली वर्क करते हैं, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं नॉर्मल बग बाउंटी हंटर्स कि ओके इनपुट दिया हुआ है हम हमारे XSS पेलोड को यूज करने के, बट हम कभी भी SSTI के पेलोड यूज नहीं करते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारी जो वेबसाइट है वो कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे वर्क करती है। बट डोंट वरी, मैं आपको उसके बारे में भी गाइडेंस दे दूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट SSTI vulnerability। तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक है हमारे क्रॉस स्क्रिप्टिंग जैसा, जहाँ पे अनसेफ यूजर इनपुट को लिया जाता है बाय टेम्पलेट इंजिन। अब आपको कंफ्यूजिंग लगेगा कि क्रॉस स्क्रिप्टिंग अटैक और सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन तो एक ही है, राइट? बट XSS में हम कौन सा नॉर्मली हम जावास्क्रिप्ट के पेलोड्स यूज कर देते हैं और हमें पॉपअप आ जाता है, दैट्स ऑल। बट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट इंजिन्स के डिफरेंट डिफरेंट पेलोड्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट के पेलोड्स यूज नहीं करेंगे, हम टेम्पलेट इंजिन के सिंटैक्स को यूज करेंगे, राइट? तो हमें सबसे पहले जानना रहेगा कि हमारी वेबसाइट कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बनी है। अब इसे जानने के लिए हम यूज करेंगे वेपलाइजर, एक एक्सटेंशन है। अब जैसे ही आपको पता चलेगा वेपलाइजर की मदद से कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम जावा यूज कर रहे हैं, तो जावा के टेम्पलेट इंजिन को यूज करेंगे उसके पेलोड्स को। अगर सिमिलरली हम पाइथन को भी देखेंगे, पाइथन में एग्जाम्पल हो कि एक वेबसाइट है जो पाइथन में बनी हुई है, तो हम जिंजा टेम्पलेट्स के पेलोड्स को यूज कर सकते हैं। अब पेलोड्स की बात आ गई तो हम इसे देख लेंगे। जावा बेसिक इंजेक्शन। अब नॉर्मली कभी भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो जावा पे बनी है वेबसाइट, तो हम इस पर्टिकुलर पेलोड्स को यूज करेंगे। मैं आपको सारे पेलोड्स की लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप अच्छे से उसे समझ सको और उसे एक्सेस भी कर सकते हो, ओके? अब जावा बेसिक इंजेक्शन में हम लिखा हुआ है कि 7*7। अब इसका मतलब क्या होता है मैं उसको एग्जांपल दे देता हूँ। अब 7*7 मतलब 7 7s are 49, राइट? तो जब भी मैं अगर ये पेलोड में सर्वर साइड पे भेजूंगा और सर्वर मुझे उसका रेंडर आउट करके मुझे रिस्पॉन्स दे देगा। अब ये हुआ कैसे कि ये एक कंस्ट्रक्टर है, ये एक ऑपरेटर है जो मैंने सेंड किया। अब मैंने उसके बोला कि 7 × 7 होता क्या है, तो सर्वर ने मुझे कैलकुलेट करके रिस्पॉन्स दे दिया कि हेलो 49, राइट? सिमिलरली मैं अलग अलग पेलोड्स को यूज कर सकता हूँ। तो ये हुआ होता क्या एक्चुअली कि नॉर्मली हम जब भी यूजर नेम फील्ड में अगर मैं ये पर्टिकुलर पेलोड डालूंगा तो 7 × 7, राइट? तो सर्वर साइड मुझे आएगा कि हेलो 49। अगर आपको ये वैल्यू चेंज होते हुए दिखती है तो मान लो ये SSTI vulnerability है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समटाइम्स जेसन बेस्ड ऑब्जेक्ट्स में हम टेक्स्ट यूज करते हैं। ऐसे ही अनदर हमारा टेम्पलेट इंजिन है जो है फ्री मार्कर। अब फ्री मार्कर में भी अलग अलग पेलोड है, 7*7 = 7*7। अब ये चेक कर रहा है कि ये है कि नहीं, तो दोनों वैल्यू अगर मैच होती है तो हमें आंसर आएगा 49। सिमिलरली हम दूसरे पेलोड्स भी यूज कर सकते हैं। अब जिंजा की बात आ गई, जिंजा हम पाइथन में यूज करते हैं। अब उसके अलग अलग रिस्पॉन्स भी मैंने दिए हुए हैं कि 7*7 अगर इसे यूज करते हैं जो हम जावा के पेलोड्स है वो हमें एरर देगा। इससे पता चलेगा कि ओके ये हमारा जिंजा का सर्वर यूज कर रहे हैं, टेम्पलेट इंजेक्शंस। सिमिलरली अब यहाँ पे 7* और हम सिंगल स्ट्रिंग में लिखे 7, तो ये 7 बार 7 प्रिंट्स करेगा। तो जैसे ही ये 7 बार 7 प्रिंट्स करता है तो ये पर्टिकुलर SSTI vulnerability से अफेक्टेड है। अब ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पेलोड यूज करो, SSTI vulnerability को हंट करो, क्योंकि अगर आप सिमिलरली ऐसा सिम पेलोड यूज करते हो और आपको अगर एग्जांपल हो कि रिस्पॉन्स में 49 मिलता है या फिर कोई भी वैल्यू मिलती है आपको, तो ये SSTI vulnerability तो होती है, लेकिन अगर आप इसे प्रॉपरली एस्केलेट करोगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ .../index.html, अब यहाँ पे .// के मदद से हम /etc/password भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम उसे whoami के कमांड्स भी दे सकते हैं जिससे RC vulnerability एस्केलेट कर सकते हैं, राइट? SSTI to RC। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप रिपोर्ट करते हो तो आपको एक $10,000 की बग मिलेगा, राइट? तो $10,000 इस पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा है, राइट? तो आइए हम देखते हैं अबाउट इम्पैक्ट ऑफ SSTI।
SSTI के टोटल इम्पैक्ट है, जैसे कि ये हम उसे RC तक लेके जा सकते हैं, पार्ट ट्रावर्सल करवा सकते हैं, LFI करवा सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मिटिगेशन, उसे हम कैसे सॉल्व करवा सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारा जो भी फ्रेमवर्क है उसे हम अपडेट्स करेंगे, उसकी लाइब्रेरीज को अपडेट्स करेंगे, ये सब काम डेवलपर्स के है। लेकिन आपको जानना जरूरी है कि हम इस पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी को रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। सिमिलरली एज एक्सेस इनपुट सैनिटाइजेशन, तीसरा हुआ हमारा सैंडबॉक्सिंग। तो आइए हम इसे जानते हैं अच्छे से विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल ऑफ बोर्ड स्पोर्ट्स विगल लैब। सो इट्स अ प्रैक्टिकल टाइम। तो आइए हम देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे हम सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन को एक्सप्लॉइट करते हैं। अब इस पर्टिकुलर पोर्ट्स विगल लैब ने मुझे ऑलरेडी बता कर रखा है कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट ERB टेम्पलेट इंजिन को यूज़ करती है। सो मैं नॉर्मली कोई भी सॉल्यूशन देख के नहीं बताता, मैं डायरेक्टली हम रिसर्च करके आपको बताऊंगा कि ERB होता क्या है। ERB ऑलरेडी एक टेम्पलेट इंजिन है, तो हम इसे ERB डॉक्यूमेंटेशन भी बोलेंगे। सो मीन्स कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट रूबी में बनी हुई है, राइट, क्योंकि ERB रूबी की टेम्पलेट है। ओके, तो हम इस पर्टिकुलर सिंटैक्स को देखेंगे और उसी तरह हम हमारे पेलोड्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम नॉर्मल टेस्ट केस करते हैं जो मैंने आपको PPT स्लाइड्स में आपको बताया था, राइट। अब यहाँ पे कोई लॉगिन फॉर्म या फिर कुछ है नहीं, राइट, तो हम व्यू डिटेल्स में जाके देखेंगे। ओके, अब यहाँ पे मुझे बताता है कि अनफॉर्चुनेटली दिस प्रोडक्ट इज आउट ऑफ स्टॉक, बट यहाँ पे URL पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे मैसेज इक्वल टू पैरामीटर तो है ऑलरेडी, राइट। तो क्या हो अगर मैं एक्सेस कर सकता हूँ, राइट, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मोस्ट ऑफ द बग बाउंटी हंटर्स एक्सेस परफॉर्म करते हैं लेकिन SSTI को ट्राई ही नहीं करते, राइट। तो हम पहले एक्सेस कर लेंगे स्क्रिप्ट, ओके, स्क्रिप्ट के बाद अलर्ट 9/script, ओके। अब मुझे कोई पॉपअप नहीं आया क्योंकि ये ऑलरेडी शायद से मिटिगेशन हो चुका है, इनपुट फिल्टर लगा के रखा हुआ है। तो हम देखेंगे इसको अलर्ट फंक्शन कहाँ पे यूज़ किया गया, राइट। तो मैच ओनली वन, तो यहाँ पे LGGT ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है, तो एक्सेस नॉट पॉसिबल है। लेकिन आप इसके बाद आगे चले जाते हो लेकिन आप SSTI परफॉर्म करते ही नहीं हो, राइट। तो डोंट वरी अबाउट इट, हम नॉर्मल टेम्पलेट यूज करेंगे जो है हमारा 7/7, जैसे कि हमारा स्क्रिप्ट अलर्ट 1-2-3 होता है, इस तरह 7/7 होता है। ओके, यहाँ पे भी मुझे नहीं दिया, क्यों? क्योंकि ये एक जो पेलोड है वो जावा के टेम्पलेट इंजिन में यूज होते हैं, राइट, और ये हम इस पर्टिकुलर टेम्पलेट इंजिन में हम है ERB जो रूबी में बनती है, तो हम उसी तरह के सिंटैक्स को यूज करना पड़ेगा। तो हम आइए हम देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ERB। सो रिकॉग्नाइज टेक्स्ट, अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि इन लाइन विथ इनपुट रिप्लेस द रिजल्ट, अब मुझे रिप्लेस विथ रिजल्ट्स आता है, राइट। तो हम इस पर्टिकुलर सिंटैक्स को यूज़ करते हैं, नॉर्मली ये PHP जैसा ही है, हम इसे बाद में देखेंगे ये। और क्या हो अगर हम दे सके कि वॉट इज 7/7, ओके 7/7, उसके बाद हमें क्लोज करना रहेगा विद द सेम, राइट, ओके % उसके बाद ये क्लोज, ओके आई गेस % के बाद यस कॉपी पेस्ट, कूल। अब यहाँ पे देखो कि जैसे ही मैंने 7/7 दिया, यानी कि 7x7 क्या होता है, इसका रिजल्ट मुझे दे दिया डायरेक्टली सर्वर साइड ने 49, कूल। इसका मतलब हुआ कि ERB एक टेम्पलेट इंजिन है जो रूबी में यूज करती है और ये वेबसाइट रूबी में ऑलरेडी यूज हो रही है, ओके। तो मुझे आंसर मिल गया 49। अब मुझे एक्सप्लॉइट करना है कि जो हमारा बेचारा कार्लोस है उसमें से एक टेक्स्ट फाइल को डिलीट करना है। अब यहाँ पे मेन चीज आ जाती है, क्योंकि अगर जब भी आप 7/7 करके आप रिपोर्ट भी कर दोगे ना, तो वो आपको $100 और $50 की बाउंड्री देके हटा देगा। लेकिन हमारा मेन फोकस है हमारा $10,000 की बाउंड्री, राइट। तो हम किस तरह से इसको एस्केलेट करते हैं, आइए हम देखते हैं कि नॉर्मली हमें पेलोड बनाना पड़ेगा उस चीज के लिए। तो यहाँ पे हमने कुछ मिला है कि नहीं, सिस्टम के लिए कुछ अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी भी पता है इस पर्टिकुलर रूबी में। तो आइए हम उसे डायरेक्टली यूज़ करते हैं। तो
7*7 के बदले मैं यूज़ करूँगा सिस्टम कमांड। तो सिस्टम में जाके आप मुझे जो ये पर्टिकुलर चीज़ है रिमूव होम कार्लोस मोरेल डॉट txt उसे हम कम्प्लीटली रिमूव करना है, राइट। तो हम इसे पर्टिकुलर डबल कोट्स में लिखेंगे, ओके। तो ये हमारा पेलोड बन गया और हम इसे इस पर्टिकुलर साइड में पेस्ट करेंगे। ट्रू, इसका मतलब सक्सेसफुली हमने रिमूव कर दिया। तो SSTI की मदद से हम RC तो परफॉर्म कर ही सकते हैं, राइट। तो अगर आपके RC पॉसिबल होती है तो आप श्योर करिए ताकि आपको अच्छी से अच्छी बाउंटी मिले। अगर आप $100 और $50 की बाउंटी में अटके रहे तो कुछ मतलब नहीं हुआ इस पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी को जान के। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि SSTI वल्नरेबिलिटी होती क्या है। अगर आपको डाउट्स आते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इन अवर साइबरटिक्स कम्युनिटी चैनल। टेलीग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू कैन एक्सेस इट। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो से नॉलेज मिलती हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। पेलोड की लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद। Thank you.